आप लोगों में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? सब स्टूडेंट्स हैं। सब स्टूडेंट्स। फेसबुक कितने लोग यूज करते हैं? सब स्टूडेंट्स। ट्विटर? सब। इंस्टाग्राम? यूट्यूब चैनल किसका है? सब स्टूडेंट्स। सब चैनल है। पैसे कितने लोगों ने कमाए हैं इंटरनेट से? जस्ट यही लेना मैं यूं भी नहीं मांगूंगा नहीं आपसे। फ्रीलांस प्रोजेक्ट बेस पे क्या स्किल से करते हैं आप? ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। और कोई नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रन करूं तो हम सारे ऑर्डर जैसे सोशल मीडिया से ही उठाते हैं। किस प्लेटफॉर्म से उठाते हैं? फेसबुक या इंस्टाग्राम। नाइस। और फ्रीलांसिंग सर। स्किल कौन सा है? वीडियो एडिटिंग। और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू? अच्छा हम क्योंकि आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं तो मैं थोड़े बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आप लोगों को मुझे पता है एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं बस आई ट्राई टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्विक। फेसबुक का क्या इस्तेमाल है आपकी जिंदगी में? मतलब आप फेसबुक क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई भी जवाब अपडेट रहे ना अपडेट रहे हमारे पाकिस्तान में जो टर्म इस्तेमाल होती है वो सोशल मीडिया होती है विच इज वेरी लॉन्ग। इट्स ऑलवेज द डिजिटल मीडिया। डिजिटल में क्या है? एवरीथिंग दैट गोज ऑन इंटरनेट विदर इट्स अ वेबसाइट अ सोशल प्रोफाइल अ यूट्यूब चैनल Netflix, Z5, हर वो चीज़ जो इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होती है दैट इज डिजिटल। हम उसको कहते हैं कि सोशल मीडिया पर तीन प्लेटफॉर्म है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर बात करना ऐसा नहीं। और हर प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन है। मैं सिर्फ स्टार्ट के लिए आपको बता दूँ कि आप जैसे बहुत सारे लोग फेसबुक को देखा वो न्यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हर प्लेटफॉर्म की अपनी डायनामिक्स और हर प्लेटफॉर्म का अपना इस्तेमाल है। फेसबुक न्यूज़ के लिए नहीं है, ट्विटर वो मैं आपकी पॉइंट की आप उस पर हम न्यूज़ लाइव आ रहे हैं आप वो जाके देखते हैं आप जियो की खबरें देखते हैं विच इज राइट। लेकिन जो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है ना जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है दैट इज ट्विटर। ट्विटर आपको लिमिट करता है पहले 140 कैरेक्टर्स होते थे। कितने लोगों के ट्विटर अकाउंट है? ट्रेंड्स क्या होते हैं ट्विटर के किसी को पता? कितना नॉलेजेबल। सो हर प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ है। फेसबुक की आप तो फेसबुक पेजेज आप चलाते होंगे वाइफ के बहुत सारे पेजेज हैं बहुत सारे इंडिविजुअल हैं जिनकी अच्छी आउटरीच है। फिर ट्विटर है फिर इंस्टाग्राम है हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते। अब सवाल ये है कि अभी जब हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे तो मुझसे पहला सवाल होगा कि ट्विटर अकाउंट मेरे खाने से पता है जो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे डी एम भी करते हैं हम उसकी तरफ भी आएंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं लॉबिंग की इन्फ्लुएंस की आप किसी को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब तक आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं। और वो क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड होती है जब हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की तो आपके फॉलोअर्स आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं। हम लोगों का मसला ये है कि हम चाहते हैं मैंने कल ट्विटर ज्वाइन किया है और कल मेरे को फॉलोअर्स हों और मैं ट्वीट करूँ तो उसमें हम शो भी कर दें उस पर फिर पाकिस्तानी दो आर्टिकल्स भी लिख दें और हम रातों रात सेंसेशन बन जाए विच इज़ नॉट राइट। क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको लोगों पे अपना ट्रस्ट बिठाना है कि पीपल शुड ट्रस्ट यू। आपका जो ओपिनियन है दैट शुड अफेक्ट द ऑडियंस। जमान ने मेरी एग्जाम्पल दी ये ओवर नाइट नहीं होता। मुझे 6 साल लगे 1,28,000 फॉलोअर इकट्ठा करने में जो बहुत था मुझे काफ़ी मान लगा। सो वो जो क्रेडिबिलिटी है ना मतलब आप इफ बाई एफ के जमान या अहमद कुरैशी आज ट्वीट कर दें कि कल एक सेमिनार है उसमें हमें 10 बजे चाहिए तो टेंस ऑफ पीपल आउटसाइड दिस वेन्यू क्योंकि पीपल ट्रस्ट दैट दे हैव बिल्ट दैट क्रेडिबिलिटी। वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने में आपने ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं।
जब आप कहते हैं ना कि मैंने लॉबिंग करनी है, मैंने इन्फ्लुएंस करना है किसी को, तो इट्स नेवर वन साइडेड। आप किसी के लिए कितने फायदेमंद हैं, मतलब अगर मैं यूजलेस आदमी होता तो मैं यहाँ बैठ के आपसे बात ना कर रहा हूँ। सो वो इट्स ऑलवेज टू वे, और आपने ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को वैल्यू क्या ऐड करें। वो वैल्यू आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आप मोटिवेटेड एक्शन करके ट्वीट भी कर सकते हैं, आप लोगों की ट्विटर के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, किसी को ब्लड चाहिए, ये राहील आप लोगों का मेंबर है, ही इज डूइंग मार्वेलस जॉब ना, ये बंदा चलता फिरता ट्विटर का ब्लड बैंक है, क्योंकि इसके जो फॉलोअर्स हैं दे आर ब्लड डोनर्स। इफ समबडी नीड्स ब्लड वो राहील को कहते तो ट्वीट करो, राहील विल ट्वीट इट एंड देयर विल बी टेंस ऑफ कॉल्स। सो वो वैल्यू क्या है, उसने एक निश डिसाइड कर लिया कि उसने लोगों को फोन प्रोवाइड करना है, आपने चूना लगाने लोगों को पानी प्रोवाइड करना है, क्या करना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड। जैसे भाई ग्राफिक डिजाइनर है, सो दिस इज हिज वैल्यू, वो वैल्यू डिसाइड करनी है। और बाय द एंड ऑफ दिस टॉक आई वांट एवरीबॉडी टू राइट व्हाट दे हैव टू ऑफर, आप लोगों को क्या वैल्यू दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम जब जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हम अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड किस तरह से करें। पहला सवाल मैंने आपको बता दिया कि आपने वैल्यू क्या ऑफर करी, उस वैल्यू के साथ आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। इंगेजमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए। हमें से बहुत सारे लोग जब वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लेते हैं, जब वो 10,000 के फॉलो हो जाते हैं, उन्होंने जितने लोगों को फॉलो किया होता है वो अनफॉलो कर देते हैं, फिर वो कहते हैं मैं तो सेलिब्रिटी बन गया, मैं किसी को जवाब भी नहीं दूंगा। उससे एक प्लेटफॉर्म की डायरेक्ट से ना हम एल्गोरिथम उसमें नहीं जाएंगे कि इंगेजमेंट का फर्क क्या पड़ता है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ना कि पीपल स्टॉप इंटरेक्टिंग विद यू, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसको 10 जवाब भी दूंगा, इससे मुझे रिप्लाई नहीं करना, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम। सो इंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ये नहीं कि मतलब वो एक ने तस्वीर लगाई थी तो आप उसके नीचे जाके लिख रहे नाइस लिए, वो इंगेजमेंट भी नहीं है, वो भी नहीं है। इंगेजमेंट शुड बी मीनिंगफुल। जैसे ब्लड की मैंने एग्जांपल दी, तो अगर किसी ने लिखा है कि मुझे ब्लड चाहिए और इसकी नीड है, तो यू शुड टैग समबडी, यू शुड रिकमेंड समबडी, आप किसी का नंबर लेते हैं कि यार सो इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर उस एंगेजमेंट के बाद आती है एम्प्लीफिकेशन। आप लोग अभी हम बात करेंगे कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, कौन से फॉरम्स है, तो हम उसको टच बेस करेंगे, लेकिन एम्प्लीफिकेशन ये है कि आपका जो कॉन्टेंट है वो बाकी लोगों से जब तक मुख्तलिफ नहीं होगा, जब तक वो अलग नहीं होगा, पीपल वोंट बाय इट, वोंट गेट एम्प्लीफाइड। जितना यूनिक कंटेंट, मतलब आप वीडियो कंटेंट आप किसका फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा, यूट्यूब पे किसकी सबसे ज़्यादा वीडियोज देखते हैं, कोई बता दें। सॉरी शाम सरवर, ठीक है, उधर से किसकी आवाज़ है, इमरान खान क्या वैल्यू दे रहे हैं। इमरान खान रात को कैबिनेट की मीटिंग में से दो बातें पकड़ते हैं और उस रोड पे यूट्यूब की वीडियो बना देते हैं, विच इज एक्चुअली व्हाट पीपल बाय, वो शो से पहले अंदर की खबर दे देते हैं, और फिर वो क्योंकि वो उनका पर्सनल स्पेस है, वो उनके यूट्यूब चैनल है, तो उस पर ना तो कैमरा के लॉज अप्लाई होते हैं, ना चैनल की पॉलिसी अप्लाई होती है, विच इज बाय। इमरान खान का आपको पता है पाकिस्तान में दूसरा बड़ा यूट्यूब चैनल है, जो एक महीने में उसने 1 मिलियन टच किया, शेख अख्तर वाज द फर्स्ट वन। सो ये वैल्यू है, और उस वैल्यू की वजह से आपके ये जो ग्रोथ है ये आपकी एम्प्लीफिकेशन है। सो दूसरा आपने सवाल ये बाय द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन आपने ये लिखना है कि आपके पास एम्प्लीफिकेशन का क्या मॉडल है। आज के 10 पीपल हम उनकी बात सुनेंगे, हम इसमें हम नहीं आएंगे। फेसबुक एड्स आप लोगों ने जनरेट किए कभी, कितने लोग ने किए, एक बंदे। फेसबुक एड होता क्या, मार्केटिंग होती है, बिल्कुल मार्केटिंग होती है। फिर उस मार्केटिंग में और एक टीवी की मार्केटिंग में क्या फर्क है? सर फेसबुक ऐड जो होते हैं वो टारगेटेड ऑडियंस तक आपको पहुंचा देते हैं, कोई भी ऐड जो होता है सोशल मीडिया का, जो आपको तो अभी पता है ना क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। फॉर जनरल ऑडियंसेस टीवी में और इसमें फर्क क्या देखते हैं? सर टीवी में ये होता है कि बस एडिशनल दिखा दो, चाहे वो जरूरत है उसको या नहीं,
आपने आखिरी दिन टीवी कब देखा? कुछ देर पहले देखा। सुबह 7 बजे फेसबुक कब देखी आपने? थोड़ी देर पहले। देखिए जब हम जैसे भाई बिजनेस कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं ना ऑडियंसेस की, इट्स जस्ट लाइक अ बिलबोर्ड जो आप फेसबुक या ट्विटर के थ्रू, ट्विटर के एड्स की भी आप थोड़ी सी बात करेंगे, जब आप एडवर्टाइज करते हैं किसी चीज़ को तो वो एक बिलबोर्ड आपने लगा दिया है आप बारा चौक में, जिसको लोग देख रहे हैं, जिसके पैसे आप पे कर रहे हैं, एंड पीपल आर मे बी बाइंग इट और मे बी दे आर नॉट बाइंग इट, दे आर जस्ट सीइंग इट। फेसबुक वर्क्स ऑन द सेम मॉडल। आप एक एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं जिसमें आप बताते हैं, और द थिंग इज विच मेक्स डिजिटल बेटर इज कि अफोर्डेबल है ना, आप 500 रुपये का भी ऐड लगा सकते हैं, आप मिनिमम 200 रुपये का ऐड लगा सकते हैं। फेसबुक पे आप सबसे कम मतलब आप 200 रुपये में पुट एन ऐड, फिर उसकी डायनेमिक्स अलग है कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है, आप उसे अचीव क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो मसला होता है लोगों को वो ये कि आप ऐड तो लगा देते हैं और उससे आपके पैसे भी कट रहे हैं, यू आर पेइंग फॉर इट, लेकिन पीपल आर नॉट कमिंग टू बाय द प्रोडक्ट। आपने एक ऐड लगा दिया, उसको 50 लोगों ने देखा लेकिन उसमें से खरीदा ही नहीं, देन व्हाट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो 50 रुपये आपका लगा उसका फायदा क्या होगा। सो उसमें हमें जो चीज सबसे ज्यादा बॉदर करती है वो ये कि आपकी लीड्स नहीं, पीपल आर नॉट कन्वर्टिंग, पीपल आर जस्ट वॉचिंग यू, लोग आपको देख रहे हैं, लोगों को नजर आ रहे हैं इन्होंने 4 प्रोडक्ट्स पे सेल लगाई है लेकिन पीपल आर नॉट एक्चुअली बाइंग इट। सो दिस इज वेयर योर लीड्स कम। जब भी आप क्योंकि आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आप लोग वॉलंटियर्स इकट्ठे करते हैं, आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो आगे इस कॉज में आपका साथ दें, आप लोग जब भी उसकी कैंपेन करेंगे तो उसमें हो सकता है 1000 लोग उसको देखें लेकिन 10 आके आपको कहेंगे यार मैंने वॉलंटियर करना। वो जो 1000 और 10 का गैप है ना, दिस इज द गैप जहाँ पे आपने डिसाइड करना कि व्हाट यू आर लैकिंग। मतलब 999 बंदा आप कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे जिसमें से 10 कर रहे। सो दैट इज योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं जबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस पर एक सेशन नेक्स्ट कभी भी किसी टाइम करें कि आप फेसबुक एड्स को यूज कैसे करते हैं। लेकिन जो एक मुझसे अभी किसी ने सवाल भी पूछा था कि जो मिसकंसेप्शन है कि यार मेरे को 10,000 रुपये होंगे तो मैं फेसबुक ऐड लगा सकता हूँ, विच इज नॉट राइट। यू कैन पुट अ फेसबुक ऐड एज लो एज ₹200 कहीं भी इधर नहीं आती है। तो सेम गोज विद ट्विटर। ट्विटर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मैं ये बता देता हूँ कि इन एड्स के थ्रू हम अचीव क्या कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी सी वो क्लैरिटी हो जाए। आपका फेसबुक पेज है, आप उसके लाइक्स बढ़ाना चाहते हैं, आप फेसबुक ऐड पे थ्रू कर सकते हैं। आपकी एक प्रोडक्ट है, आप उसको बेचना चाहते हैं, आप फेसबुक ऐड पे थ्रू कर सकते हैं। आपने वीडियो बनाई, आप चाहते हैं लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप फेसबुक ऐड पे थ्रू कर सकते हैं। आपका एक स्टोर है, आप चाहते हैं कि लोग उसको विजिट करें फिजिकली, आप फेसबुक ऐड पे थ्रू लोगों को वहाँ तक ला सकते हैं। आप कुछ सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे यहाँ पे 2-4 लोग कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग आके वो सर्विसेज बाय करें, वो आप कर सकते हैं। आप अपना आपका पर्सनल ब्रांड है, आप चाहते हैं लोग आपके बारे में जाने, आप फेसबुक ऐड्स भी कर सकते हैं। जब हम ट्विटर की बात करते हैं, सेम गोज ग्रोथ पैरामीटर्स। आप चाहते हैं आपके फॉलोअर्स आए, वैसे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि कभी आप फॉलोअर्स कर ही देना ट्विटर पर, लेट इट ग्रो ऑर्गेनिकली। व्हेन यू बाय वो फिर एल्गोरिथम्स में आप रैंक हो जाते हैं, उसके बाद वे आपकी ऑर्गेनिक रीच खत्म हो जाती है, पीपल वॉन्ट सी योर प्रोफाइल, उसमें बहुत सारे डैमेज है। सो कट इट शॉर्ट कि आप कभी भी ट्विटर के फॉलोअर्स खरीदें ना, नॉट इवन बाय पेइंग ट्विटर। एक तो होता है कि आप किसी एजेंसी को पे करते हैं, वो आपको फॉलोअर्स दे देता है, बोला तो उसके अलावा आप ट्विटर को भी पे कर सकते हैं कि ट्विटर आपकी पर्टिकुलर ट्वीट लोगों को दिखाए, फिर लोग आपको फॉलो करें, which too is not recommended. Twitter के थ्रू भी आप वही काम सारे कर सकते हैं, followers बढ़ा लिए, videos viral करनी, tweets viral करनी, people want to know about you, वो सारी चीज़ें। अब ये है आपका असल टॉपिक। सर्वेस कितने लोग करते हैं ऑनलाइन?
और उसमें से असली देख रहे हैं। नहीं वो देखिए, एक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा स्कैम है ना वो ये है कि जी इतवार के अखबार में इश्तहार आता है कि आप 2500 रुपये का अकाउंट खरीदें, उस अकाउंट में आप एड्स सर्च करेंगे और उसके बाद आपको हम महीने इतने रिटर्न। वो किसी ने किया है कभी? अच्छा कि आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि वो बोलते स्कैम। देर आर लाइक 9999999 ways to make money out of internet and this one thing is not much done. Uski wajah ye hai ki Pakistan mein humne we have made things so complicated ki it's very easy to make people fool. Mujhe pichle 6 mahine mein I've seen more than 9000 cases jo FLE ke paas gaye hain online scam ke. हर बंदा आप देखते हैं जी कि गुरु की वीडियोस इतनी वायरल हो रही हैं, इमरान खान की वीडियोस वायरल हो रही हैं, एक्स वाई जी बहुत अपनी वेबसाइट से पैसे कमा रहे हैं, शाद भट्टी के ट्विटर पे स्पॉन्सर्ड एड्स लग रहे हैं, तो हर कोई पैसे कमाना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि पैसे कमाए किस तरह से जाए। ये वो 10 वेज हैं जो सबसे आसान है, जो मैंने लिस्ट किए हैं टेल यू कि आप किस तरह से कमा सकते हैं। सो पहली चीज़ ये कि क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि कोई स्किल हो। स्किल किस किस के पास है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर कौन है, लिख कौन सकता है, वीडियो कौन बना सकता है, कंटेंट लिखना किसको आता है, जिसके पास कोई भी स्किल है, मतलब तस्वीर भी लेनी आती है तो दैट इज़ अ स्किल। किस किस के पास स्किल है? आपने कभी ये स्किल सेल आउट किया, कभी किसी को बेचा है? 2-3 लोगों ने। ऑनलाइन का ऑफलाइन का? ऑफलाइन। जब आपके पास कोई स्किल होता है ना तो चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, यू कैन ऑलवेज मेक एडवांटेज ऑफ इट। आप लोग यहाँ पे अपने किसी स्किल की बेस पे वॉलंटियर कर रहे हैं, आप जैसे ये भाई ग्राफिक डिजाइनर है, उनको वीडियो बनानी आती है, आपने डिसाइड करना है कि आपने उस स्किल से पैसे कैसे कमाने। जब हम डिजिटल पे आते हैं तो इट्स थ्रू इंटरनेट। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है विच इज वेरी इजी, जिस पे आधा पाकिस्तान स्कैम्स कर रहे हैं, वो है फाइबर। फाइबर एक ऐसी दुकान है जिस पे आपने इश्तिहार लगा दिया कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ। लोग आएंगे, लोग आपकी उस दुकान पे देखेंगे कि आपकी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, पीपल वुड बाय। ये क्लैरिटी है, सबको है। आगे ये फाइबर की जो सबसे बेहतरीन बात ये है, वो जो बायर और सेलर दोनों को फायदा देती है, वो ये कि इट्स स्टार्ट्स विद $5। अगर आपने कोई सर्विस खरीदनी है तो वो मिनिमम उसकी प्राइस होगी $5। और अगर आपने कोई सर्विस ऑफर करनी है, मतलब आप वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप मिनिमम $5 से शुरू कर सकते हैं। फिर आप कोट कर सकते हैं कि मैं $10 लूँगा, $15 लूँगा, $20। लेकिन मिनिमम थ्रेशहोल्ड इज $5। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म आता है अपवर्क। अपवर्क में क्या होता है, उसकी डायनेमिक्स क्या है कि उसमें लोग आके बताते हैं। अपवर्क और फ्रीलांसर तो अब बहुत सैचुरेटेड हो गए हैं पाकिस्तान में, अंटिल अनलेस अगर वो लोग 2010-12 में अकाउंट्स के वो सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सैचुरेशन है उस पर। दूसरा प्लेटफॉर्म है अपवर्क। अपवर्क का मॉडल ये है कि उसके लोग आके बताते हैं कि मैं सिर्फ आपको ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे पास टाइम भी कम है, तो आप लोगों ने खुद जाके अपने अकाउंट्स बनाने हैं जो जो लोग सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अपवर्क का मॉडल ये है कि अपवर्क पे लोग आके बताते हैं मेरा ये स्किल है और सर मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे इसके लिए बंदा चाहिए। आप उस पर बिड करते हैं, आप बताते हैं कि यार आपका बजट $50 है लेकिन मैं 30 में कर दूंगा, और आपको 2 दिन में चाहिए तो मैं 1 दिन में कर दूंगा। और फिर काफ़ी सारे लोग बिड करते हैं, फिर बायर पे है कि वो किसकी बिड को पिक करता है। ये क्लैरिटी होगी आपको, समझ आएगी यहाँ तक कितने लोग जाके आपका कोई फाइबर का अकाउंट बना सकते हैं जिनका बना हुआ एक्सेल। सवाल आप अकाउंट मैं उसको हल्का सा आपको उसका भी डील कर देता हूँ। देखिए जब हम लोग जब अकाउंट बनाते हैं ना, मैंने कोई पिछले 6 महीने में आई थिंक
35-36 अकाउंट से अप्रूव कर दिए और वो मेरे थे भी नहीं, वो किसी ने मुझे कहा कि भाई मुझे प्रोफाइल बना दे। जब हम वहाँ पे इंसान बैठे हैं, लॉक का प्रोफाइल देख लें, वो आपसे मांगते हैं आपकी एजुकेशन क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, आप सर्विसेज क्या ऑफर कर सकते हैं, आप वैल्यू क्या दे रहे हैं, इट्स वैल्यू। मतलब अपर पे 50,000 ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपकी वैल्यू क्या है। जब हम प्रोफाइल लिखते हैं ना, उस प्रोफाइल में हम लिखते हैं माई नेम इज फहान मलिक एंड आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर फ्रॉम वट एवर इंस्टीट्यूट, और इसमें लिखा हुआ भी होता है कि ए का एम का ए कैपिटल होता है, फिर एम स्मॉल होता है, जी ग्राफिक का जी कैपिटल होता है, पंक्चुएशन की गलतियां होती हैं, नाम भी सीधा नहीं लिखा होता, और ना ये बताया होता है कि आप अपवर्क पे जो 50,000 बंदा दूसरा बैठा हुआ है उसके अलावा आपने क्या खो दिया। सो जो मैंने जो प्रोफाइल अप्रूव किया, मैंने उसमें कोई साइंस नहीं डाली, सिर्फ अंग्रेजी सी लिखी, एंड इट शुड बी करेक्ट और टू द पॉइंट। कहानी लिखी होती, मैंने 2017 में ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया था, उस डिप्लोमा के बाद मैंने साइंस कॉलेज में इतने साल की इंटर्नशिप की। इट्स नॉट रिक्वायर्ड यार, वो एक प्लेटफॉर्म है, उस पर ऑलरेडी 50,000 बंदा है। सो वो जो बंदे देख रहे हैं ना, वो उनकी रिजेक्शन हमारा इसमें पाकिस्तानी भी है अपवर्क की टीम में, और उसने मुझे बताया इसने कहा कि हम सिर्फ शुरू में देखते हैं आपकी बायो क्या लाइन ऑफ बी डिसाइडेड कि वी हैव टू एक्सेप्ट योर प्रोजेक्ट। जितने अकाउंट्स अप्रूव हुए हैं वो सारे सिर्फ सीधी इंग्लिश की वजह से, अदरवाइज देयर इज नो साइंस। फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप साथ सोर्स फाइल्स दे रहे हैं, आप फ्री डिस्काउंट्स दे रहे हैं, आप एक्सेप्टेड टाइम के लिए यू नो यू आर ऑफरिंग सोर्स फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसकी एशी वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, डिपेंड्स कि आप उसमें क्या वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है दैट शुड बी योर अंग्रेजी, अंग्रेजी सी भी कर लें, खुद नहीं होता, इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी ग्रामरली एक टूल है, और पता नहीं आप लोग यूज़ करते हैं जब गूगल पर जाके लिखिएगा ग्रामरली एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड कर लें, आप ब्राउजर में जब भी अंग्रेजी लिखेंगे वो उसको सीधी कर देगा, वो आपको बता देगा इसमें ये है। सो अप्रूवल के लिए अंग्रेजी। फिर इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा आप पैसे कमा सकते हैं वाया फेसबुक ग्रुप्स, और जैसे शाम सर्विस का किसी ने नाम लिया, उन्होंने एक लोकल फ्रीलांसिंग वेबसाइट बनाई है जिस पर ठीक ठाक लोगों के प्रोफाइल्स हैं, और वो लीजिट भी है, और उसका पेमेंट मेथड भी बेसिक पाकिस्तान है, डायरेक्ट बैंक टू बैंक पेमेंट मेथड्स का भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, पेपाल बंद है, स्ट्राइक बंद है, सिर्फ एक पायनियर चलता है, और उसमें भी आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया कि आप आपके लैंग्वेज बैंक अकाउंट एसोसिएटेड विद इट आप बना सकते हैं उसकी। अच्छा, फेसबुक की जब हम एड्स की बात कर रहे थे तो नॉर्मली ये होता था कि आप ऐड लगाते थे, फेसबुक महीने के आखिर में आपको बिल कर देता था कि आपने मतलब 4,000 के ऐड्स चलाए तो अभी पैसे फेसबुक आपके अकाउंट से काट लेगा। हम माशाल्लाह से पाकिस्तानी लोग करते क्या थे कि हम पूरा महीना ऐड चलाते थे, दबा के लाख रुपये का ऐड चलाते थे, महीने के आखिर में अकाउंट निकाल लेते, कार्ड डिटैच कर देते थे और वो पैसे पेंडिंग रहते थे फेसबुक के पास। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ये तो बड़े तेज हैं, फिर उन्होंने कहा कि भाई अब आप प्री पेड देंगे, मतलब आप पहले अपने फेसबुक अकाउंट में पैसे डालेंगे फिर आप ऐड चला सकते हैं, आप 50,000 डाल लें उसके बाद आप डिसाइड करेंगे वो 50,000 आपने स्पेंड कहाँ करें। सो वो हम अगर हम ये रोते हैं कि हमारे पास फेसबुक नहीं आता, ट्विटर आके पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोलता, तो दे आर एक्चुअली वेरी राइट। आई हैव सीन गवर्नमेंट ऑफरिंग देम कि आप 10 साल के लिए टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, हम आपको जगह भी देंगे इस्लामाबाद में, ऑफिस देंगे, टैक्स भी लेंगे, 10 साल किराया भी लेंगे, आप सिर्फ आके ऑफिस खोल के बने कर लें सवाल कर दें, क्योंकि ये हम हैं ना, हमने उनको पुश किया है। सो अगर आपके कश्मीर का कॉन्टेंट डाउन होता है तो उसकी वजह ये कि आपने एक प्लेटफॉर्म को मैनिपुलेट भी किया है आप में से ही लोगों ने, और मतलब उसकी मुराद ये नहीं कि आप लोगों में से इस इंटरनेट कम्युनिटी ने की है, और वो करता एक सर्टन सेगमेंट है, लेकिन ऑब्वियसली वो पूरे उस से उसका नुकसान होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड है, आप में से बहुत सारी खवातीन हो सकते हैं ज्वेलरी बनाती हों, कुछ होम मेड प्रोडक्ट्स बनाती हों। पाकिस्तान की एक खातून है पेशावर में, मुझे उनका नाम भूल गया, उनका अमेजोन पे टॉप रेटेड स्टोर है,
और वो ना वो कढ़ाई की प्रोडक्ट्स बनाती है। दूसरा एक तो आपने सर्विसेज सेल करनी है अपनी इन प्लेटफॉर्म्स पे जिनके मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो ये कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप ये बुक्स बनाते हैं, आप ये ग्लास बनाते हैं, आप टिश्यू का डब्बा बनाते हैं, यू वॉन्ट टू सेल इट, फेसबुक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, वो इन डिटेल डिस्कशन है। लेकिन आप ऑनलाइन स्टोर्स पे भी बेच सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर सकती है, अमेजोन पे अगर आपको लगता है कि वो लोकल मार्केट के लिए अच्छी है तो दराज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। कोई पैसे नहीं लगते, जायज ने अभी एक रिसेंटली ऑनलाइन स्टोर इंट्रोड्यूस कराया, कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ आपने एक अकाउंट बनाना है, आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है एंड देन यू विल हैव टू स्प्रेड द वर्ड वाया सोशल मीडिया के लोग आके आपके इस प्रोडक्ट को खरीदें। ये दूसरा मेथड हो गया पैसे कमाने का। तीसरा आप लिखना जानते हैं या आपके पास कोई स्किल है। तीसरा चौथा हम मिला के बात कर लेते हैं कि आप जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप सीखिए ना, आपने आप किसी को सिखा भी सकते हैं। हम लोगों का मसला ये है कि हम हर बनाना यूट्यूबर बनना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं मुझे स्किल आता है तो मैं यूट्यूब पे ही जाके सिखाऊंगा, और फिर यूट्यूब भी इतना सेचुरेटेड है कि उस पर 500 बंदा और सिखा रहा है तो आपकी वीडियो कैसे रैंक होगी, वीडियो रैंक कैसी होती है, वो भी एक अलग साइंस है, हम उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है और आपको लगता है कि आप वीडियो पे आके उसको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो भाई देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडेमी, कोर्सेरा, लिंडा, बेशुमार इस किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट्स हैं। पाकिस्तान का अपना डिजी स्किल्स वाला, सो आप उस पर जाके अपना अपना स्किल, अपनी आपको जो पढ़ाना है लोगों को सिखाना है, आप उस पर जाके वो सेल आउट कर सकते हैं। और ये मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को इतना आइडिया है कि हम लोग कहते हैं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना लूँ, यूट्यूब से यूट्यूब सबसे कम जो अर्निंग है ना वो यूट्यूब की है। YouTube आपके 26,000 अगर व्यूज होंगे तो उस पर शायद आपको $2 भी ना मिले, 1,00,000 व्यूज पे हार्डली इट्स लाइक $12 जो पाकिस्तान में, इसके लिए ट्रैफिक आपकी लोकल होती है, अगर बाहर की ट्रैफिक हो, यूके यूएस के आपके व्यूज आ रहे हो तो उसकी ट्रैफिक उसके पैसे अलग होते हैं। सो लोगों को ये लगता है कि अगर मैं वीडियोज में कम्फर्टेबल हूँ तो मेरे लिए प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, विच इज़ नॉट राइट। कोर्सेरा, यूडेमी, लिंडा, इस किस्म के बेशुमार प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने कोर्सेज बना के बेच सकते हैं। $20 का कोर्स रख लें, 4 वीडियोज़ बनाएं, और उन उन प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज इतनी नॉर्मल हैं कि आप एक अच्छी लाइट पे बैठ के वीडियो बनाएं, आप अपना स्किल लोगों को बताएं, लोगों को सिखाएं, और 20 से 25 30 डॉलर आप एक उसकी इन्वॉल्वमेंट रखें और पीपल वुड बाय, पीपल एक्चुअली बाय। यूट्यूब की नस्बत ये वाला रास्ता जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है वो जाके उसको करें और आप लोग मुझे दुआएं दें। एडसेंस पाकिस्तान ने उसका भी बहुत कबाड़ा किया, 2010 में लोगों ने VAT निकाली है एडसेंस से, क्योंकि अब वो फिर सिचुएशन होगी जो यूट्यूब पे पहले लोग थे वो जो एडसेंस की तरफ थे वो यूट्यूब पे आ गए। एडसेंस का मॉडल ये होता है कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं, वो वेबसाइट आप गूगल पे रैंक करते हैं। रैंक का मतलब कलर से पहले किसी यार तो मैं सब कुछ चाहता हूँ मुझे पता है रैंक रैंक का लफ्ज किसी ने सुना इससे पहले? ये वाले रैंक नहीं, दूसरे। देखिए जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, जब आप गूगल पर जाके लिखते हैं कि YFK, आपके सामने क्या आता है? सर्च रिजल्ट्स आते हैं, उस रिजल्ट्स में जो टॉप पे होता है ना, जो टॉप 3-4 होते हैं, दे आर द रैंक कीवर्ड्स। आप कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करते हैं उसका आपको रिजल्ट नजर आता है, वो गूगल पे रैंक हुआ होता है। एडसेंस किस तरह से काम करता है? आप एक वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट को आप उसके भी तरीके अलग होती है, कलर कोर्स है, उस वेबसाइट को आप गूगल पे रैंक करते हैं। जब आप रैंक करते हैं तो रैंक का मतलब ये है कि जब कोई गूगल पे आकर लिखेगा, फॉर इंस्टेंस आपने कश्मीर की वेबसाइट बनाई, जब कोई गूगल पे आकर कश्मीर लिखेगा तो आपकी वेबसाइट ऊपर नजर आएगी, और जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो आपको लोग आपकी वेबसाइट को लोग ज़्यादा विजिट करेंगे। उस ट्रैफिक की बेस पे आपको गूगल अपने एड्स देगा जो आप अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, वो एड्स आपको पैसे देंगे।
अगेन दैट इज अ मिसकंसेप्शन कि हम 2020 में एक ब्लॉग लॉन्च करें और उसको ट्रैफिक लाएं, उससे पैसे कमाएं। वो 2010-12 में बहुत अच्छे पैसे मिलते थे, अब इट्स नॉट वर्थ। उससे बेहतर ये कि आप फेसबुक से पैसे कमा लें, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगला हमारा मेथड है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आपको पैसे देते हैं? ट्विटर और इंस्टाग्राम आपको पे नहीं करते, लेकिन उनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक आपको डायरेक्ट पे करते। फेसबुक पे अगर आपका 10,000 फॉलोअर्स वाला पेज हो और आपकी वीडियोस को पिछले 2 महीने में 30,000 1 मिनट व्यूज, मतलब अगर आपके पेज पे 50 वीडियोज हैं और हर वीडियो 2 मिनट की है, 3 मिनट की है, 4 मिनट की है, उन वीडियोस को 30,000 मरतबा उनका सिर्फ कोई भी 1 मिनट देखा गया हो, 30,000 1 मिनट व्यूज, कोई बंदा आया आपकी वीडियो पे एंगेज हुआ और 1 मिनट के लिए उसने आपकी वीडियो देखी, ये दूसरा क्राइटेरिया है। तीसरा कि आपका कॉन्टेंट आपका अपना होना चाहिए, कोई स्ट्राइक आपके पेज पे ना हो, आपने किसी का कॉन्टेंट चुराया ना हो, कोई ऑडियो वीडियो की फ्रेम ना हो। अगर आप ये पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं तो फेसबुक आपकी वीडियोस के दौरान एड्स प्ले करता है, वो एड्स आपको पैसे जनरेट करते हैं। क्योंकि ये मॉडल पहले था यूट्यूब का, यूट्यूब पर आपके पास 4,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और सॉरी 1,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4,000 मिनट्स का वॉच टाइम होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि जब आप ये 2 क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं तो YouTube आपकी वीडियोस पे ऐड लगाता है। लोग वो ऐड देखते हैं, कुछ पैसे YouTube को जाते हैं, कुछ पैसे आपको जाते हैं। ये YouTube का मॉडल था, Facebook ने इसको रेप्लिकेट किया और Facebook ने उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने जो रिटर्न रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा रखे। जिस व्यू पे YouTube आपको 2 सेंट्स दे रहा है, Facebook उस पर आपको 0.9 सेंट्स दे रहा है। उसकी वजह ये है कि ऑब्वियसली Facebook wants all that traffic to Facebook, YouTube से। आप में से किसी के पास है 10,000 फॉलोअर्स वाला पेज? नहीं है। अच्छा है, अब सवाल ये है कि जब आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं उसके बावजूद आप मोनेटाइज नहीं करते, उसकी वजह ये कि आधी दुनिया में मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुकी है, पाकिस्तान में अभी तक पहले नहीं। उसका फिर उसके भी तरीके हैं पाकिस्तान में चलाने के, लेकिन आप लोगों को मेरा मशवरा ही होगा कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपना पेज बना लें, उसको ये 2 पैरामीटर्स फेसबुक के उनको मीट कर लें। जनवरी 2020 में होपफुली मोनेटाइजेशन डायरेक्टली इनेबल हो जाएगी पाकिस्तान। अभी भी आप कमा सकते हैं, लेकिन वो आपको पायोनियर अटैच करना है, दुबई का अकाउंट रखना है, पाकिस्तान में काम नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें हैं, लेकिन बाय जनवरी वो लोकली इनेबल हो जाएगी। सो आप लोग अभी से उसके लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। अब ये हम मैंने बता दिया आपको फेसबुक और यूट्यूब का वर्किंग मॉडल, पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं, क्या उसके पैरामीटर। फिर आते हैं ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। ट्विटर और इंस्टाग्राम आपको डायरेक्ट पे नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास अच्छी आउटरीच है, अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आप उनसे पैसे कमा सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स हैं। मैंने ज़िंदगी में जो सबसे महंगी ट्वीट की थी, दैट वॉज फॉर हुवावे। मेरा 1,02,000 फॉलोअर्स थे, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट है ना, जो क्लाइंट आपके पास आता है वो कहते हैं यार मेरी क्लिक कर देना, तो उसमें 10 ब्रोकर्स होते हैं, वो पीछे से उसके पकड़े होते हैं 15,000 रुपये, वो आपको आगे कहते हैं फालतू बजट कम है, बजट कम है, तो 5,000 में आप क्लिक करें। तो वो उस जब आप उस लूप में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि वो 10 लोगों का उसमें शेयर था, वो एक ने उसको कहा, उसने कहा अच्छा मैं जानता हूँ, मैं कराता हूँ। तो वो करते करते जो इवेंचुअल आपको बजट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। आप 10,000 से ज्यादा किसके ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, इंटरेक्ट करें लोगों से, इंगेज करें, फॉलोअर्स बनाएं। हर क्लाइंट का पाकिस्तान में एक ही पैरामीटर है कि 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स। उससे होगा ये कि जब जैस पे प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, टेलीनॉर पे करेगा, जमान जब अपना स्टोर बनाएगा, तो वो आपको रीच आउट करेंगे कि
ये ट्वीट कर दें और हम आपको इसके एक्स वाई जेड पैसे देते हैं। मेरी जिंदगी में सबसे महंगी ट्वीट की थी दैट वाज फॉर हुआवे और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने पैसे थे, लेकिन वो पहला और आखिरी क्लाइंट था जिसने इतने पैसे दिए मुझे, वो डायरेक्ट था। पीपल वुड इवेंचुअली कम टू यू एंड दे विल आस्क कि भाई आप हमारी ट्वीट कर दें। ट्विटर ना आपको पैसे देगा, इंस्टाग्राम देगा, लेकिन आपके पास जब आउटरीच होगी तो पीपल वुड कम कि आप हमें एंडोर्समेंट दे दें, जैसे ब्रांड्स करते हैं, जैसे आपके सेलिब्रिटीज करते हैं। उसके बाद ये 7, 8, 9, 10 मैं आपको क्विकली सम अप करूँगा कि जब आपको कोई स्किल आता है तो आप लोगों को ऑफर कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, 20% रूल क्या पता है किसी को फेसबुक का 20% रूल इन भाई के अलावा 20% ट्वेंटी परसेंट रूल ये होता है जब आप फेसबुक पे कोई ऐड लगाते हैं ना, वो जो ऐड की डायमेंशन होती है उसमें जो टेक्स्ट है, गौर से सुनिएगा, उसमें जो टेक्स्ट है ना दैट शुड बी लेस देन 20% ऑफ द होल इमेज। मैं दोबारा बोलता हूँ, जब आप कोई फेसबुक पे ऐड लगाते हैं और उस एड का जो कंटेंट है, जो उस पर लिखा हुआ है इमेज पे, वो उसकी ओवरऑल डायमेंशंस से 20% कम होना चाहिए। टेक्स्ट अगर उससे ज्यादा होता है तो वो एड आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, फेसबुक आपको एड लगा देता है। ये उनका एक रूल है विच इज यूजलेस, मुझे भी समझ आती क्यों बनाया मैंने, बट यू हैव टू फॉलो। सो ये वो छोटी छोटी निटी-निटीज हैं जिनका अगर आपको आइडिया हो तो यू कैन पिच टू ब्रांड्स कि मैं आपका सोशल मीडिया कंसल्टेंट बन जाता हूँ, मैं नहीं है कि आपसे इतने पैसे लूँगा, मैं ग्राफिक्स भी बनाऊँगा, मैं वीडियोज भी बनाऊँगा, मैं ट्वीट्स भी करूँगा और मैं आपका कॉन्टेंट भी करूँगा। ये एक तरीका। फिर जो आई टी के कंप्यूटर के लोग हैं, दे कैन मेक वेबसाइट्स, दे कैन डू टेस्टिंग, जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, जिनको ट्रांसलेशन आती हैं वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये ना कि जब आपने एक्सप्लोर खुद करना है कि मैंने करना क्या, मैंने जो अपनी जिंदगी की जब जिसकी जॉब का जमान आइडिया दे रहा था, आई वॉज इन माई सेकेंड सेमेस्टर एंड आई वेंट फॉर अ जॉब इंटरव्यू, उसके बावजूद मेरा GPA 3.6 था, लेकिन आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं अभी उससे बात कर रहे थे अर्ली स्टार्ट लेना है। सो जितना आप जल्दी स्टेप अप करेंगे, जिन लोगों ने एक्शन से 2010-11 में बैगर प्लॉट लेने थे उन्होंने ले लिए, अब 2020 में आप एक्शन से इतने पैसे नहीं कमा सकते। सो इट्स ऑलवेज द फर्स्ट फ्यू पीपल हु आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस। ये है जी पैसे कमाने के तरीके। इससे अगर किसी का सवाल है तो मुझे बताएं, फिर मैं आपको आपकी कुछ चीज़ें जो कश्मीर फोरम के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्राइक्स क्या होती हैं फेसबुक पे, जब आपका पेज जब आप मोनेटाइज करने जाते हैं तो उस पर ये पेज क्वालिटी हमेशा ग्रीन होनी चाहिए, और ये जो 3 स्ट्राइक्स आई हैं पेज पे, आपके पेज पे जीरो होनी चाहिए। एक भी स्ट्राइक आती है तो फेसबुक आपके मोनेटाइजेशन बंद कर देता है। ये आपके स्टैट्स हैं, ये बहुत पुराना इमेज है, लेकिन आपको जब आप क्लाइंट्स को पिच करते हैं कि मेरे अकाउंट की ये आउटरीच है, तो ये उसमें आपको, आप लोगों ने कभी अपने इनसाइट्स निकाले हैं अपने ट्विटर प्रोफाइल के कि महीने के कितने लोग आपके ट्वीट्स देखते हैं, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं? analytics.twitter.com ये आपको आपके ट्विटर के इनसाइट्स बताएगा कि आप कितने लोग आपको महीने में फॉलो करें। जैसे 1 मिलियन मेरे 28 दिन के इंप्रेशंस थे, यहाँ से आपको चीज़ें पता चलती हैं। अब जो काम आप लोग कर रहे हैं, वॉलेंटियर हैं आप लोग और आप एक कॉज के साथ एसोसिएटेड हैं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि आप जो इन्फॉर्मेशन लोगों को भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, दैट शुड बी जेन्युइन, वो फेक नहीं होनी चाहिए। अब उसका तरीका क्या है, आपने उसको स्पॉट किस तरह से करना है कि वो फेक है या नहीं है? सबसे पहला काम ये कि व्हाट्सएप पे जाइए, किसी ने भेजा, हमने देखा जी कि उसमें तो एक बड़ी ज़बरदस्त कॉन्स्पिरेसी है, हमने उसको ट्वीट कर दिया। क्रॉस वेरिफिकेशन पाकिस्तान में होती ही नहीं है। मैं एक मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखता हूँ, उसके बावजूद
हम अपने रिपोर्टर्स को जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग देते हैं कि आपने फेक न्यूज़ को किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे तो होता है बच्चा प्यारा कि अलग अगर पेशावर में धमाका हो गया, किसी ने वेरीफाई नहीं किया, 10 ग्रुपों ने उसमें 10 ग्रुपों में डाला, 10 ग्रुपों में लेकर 10 ग्रुपों में डाला था वेरीफिकेशन कोई चीज़। सो आपने अपनी न्यूज़ को वेरीफाई करना है, अब वो किस तरह करना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये एक ट्वीट थी जिसमें एक इमेज था जिसमें हसन निसार साहब बैठे हुए हैं, आप लोग को शायद नजर ना आ रहा हो, और उनकी टेबल पे ना दो खूबसूरत सी बोतलें पड़ी हैं। और लोगों ने कहा कि ये तो हसन निसार साहब तो क्या कमाल है, क्या तो बोतलें पड़ी हैं। और ये आई हैव सीन पीपल विद मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स ट्वीटिंग दिस इमेज, मतलब बहुत बड़े बड़े नामों ने इस तस्वीर को ट्वीट किया जो हसन निसार साहब के खिलाफ थे लेकिन वेरीफाई नहीं किया। सो हमने उसका तरीका क्या है कि आप वो तस्वीर खोलें जहाँ भी आपको नज़र आ रही है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, जहाँ पे क्रोम में एक फीचर होता है जो आप राइट क्लिक करें तो कहते हैं सर्च दिस इमेज ऑन गूगल, आपको कोई तस्वीर जिसमें डाउट हो रहा है कि दिस माइट बी फेक, दिस माइट बी समथिंग जो सही नहीं, आप उसके साथ राइट क्लिक करें, सर्च गूगल फॉर इमेज करें और आपको असल तस्वीर मिल जाएगी। अब असल में बोलते नहीं ये, और ये इंटरनेट पे पड़ी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप भी नहीं कह रहे, ये दिस इज असल तस्वीर वो ऊपर वाली है, लेकिन इंतहाई खूबसूरती से इनके हाथ में ग्लास भी पकड़ा दिया गया। दिस इज हाउ इंटरनेट मैनिपुलेट्स है, चीज़ें इसी तरह से डिस्ट्रॉय होती हैं। जैसे रात को एक साहब ने बयान दिया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ट्वीट या रीट्वीट करने से पहले उसको वेरीफाई करना है कि ये सही है या नहीं। ट्विटर ने इसी फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने रीट्वीट, पहले हम करते थे एक बटन दबाते थे रीट्वीट हो जाती, अब आप बटन पे रीट्वीट दबाते हैं तो आप ये उस्मान साहब अभी आए हैं इनके लिए तालियां करते हैं। तो आप अब ट्विटर ने ये कर दिया है कि बस आ गया ना वो अपने घर आ जाओ सर, वो बाइक पे आया, वो बड़ा प्यार हो गया है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सो जब आप ट्विटर ने इस फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए क्या किया है कि ट्विटर ने रीट्वीट की जगह बटन प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट रीट्वीट नहीं होती, वो आपको कहता है, आप लोगों ने नोटिस किया है कि वो पहले आपको पढ़ाता है आपने कुछ लिखना है तो लिखें, अदरवाइज एक दफ़ा आपने रीट्वीट का बटन दबाया तो आपको दोबारा दबाना है रीट्वीट करने के लिए, पहले वो 1 क्लिक पे था। और उसको किया भी इस वजह से कि लोगों को पीपल शुड थिंक अगेन व्हाट दे आर डूइंग, ये था फेक न्यूज़ को काउंटर करने का तरीका। अब जैसे ये एक और न्यूज़ है, वो तो इमेज था ना, एक इमेज को हमने वो किया, ये पुरानी प्रेजेंटेशन में छोड़ दिया बात पर, वो इमेज को मैंने आपको सर्च करने का तरीका बताया कि आप उसको क्रॉस सर्च करते। अब ये टेक्स्ट की न्यूज़ है और ये एक अखबार के साथ लगा हुआ है, ठीक है, आपने इसको वेरीफाई करने, आपको लग रहा है कि ये बात ये शख्स कह नहीं सकता, ये तो झूठ है, इसको वेरीफाई करने का तरीका ये है कि आप वो टेक्स्ट को कॉपी करें और इसको गूगल में जाके लिखें। अब ये इमेज के साथ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है, लेकिन जब हम इसको सर्च करते हैं, उस लाइन को कॉपी किया, फेसबुक पर जाके लिखा तो वो किसी और की स्टेटमेंट थी, किसी और की बात थी, लेकिन किसी और के साथ एसोसिएट थी। फिर समझ आ रहा है आपको, इमेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ, जब इमेज पे लिखा होता है तो लोगों को लगता है कि यार ये तो मतलब ये तो है ही असली, ये तो इस पे मैंने धोई है, ये फेक तो है, लेकिन सॉरी एक्टिंग का बात है, चलो जो भी है, लेकिन असल में वो स्टेटमेंट किसी और की थी। ट्विटर पे जाके देखें उसको, इधर फेसबुक पे लिखा होता है, ट्विटर पे लिखा, कॉपी पेस्ट किया तो आपको पता लगेगा कि ओरिजिनल स्टेटमेंट इसकी। ये फेक न्यूज़ को रोकने के 2 तरीके हैं और आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू फॉलो दिस। अभी बेसिक गाइडलाइंस है ना, मतलब आप एक फेक न्यूज़ ट्वीट भी कर देंगे, 4 दिन बाद कहीं ट्विटर का कोई बॉट उसको रैंक कर रहा होगा ना, तो आपका अकाउंट वैसे ही सस्पेंड कर देगा। ट्विटर के साथ आप लोग बहुत एहतियात से चलें। ये था न्यूज़ वाला। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया फॉर इम्पैक्ट। आपका जो ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक पेज है, वो आपकी तो आपका तो ब्रांड है ही, लेकिन उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं तभी आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आपके 5 फॉलोअर भी हैं और आपके पास एक ट्विटर ने फीचर दिया हुआ है जिसमें आप किसी को टैग कर सकते हैं,
आप उसको भी इस्तेमाल करें। ये एक एग्जांपल है हमारे एक दोस्त की, जिनको एक बंदे ने कहा कि मुझे मेरी फीस का मसला है या मुझे पैसे चाहिए, वट एवर जो भी मामला था। वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को जानते थे, उन्होंने उनको भेजा और उन्होंने उनको टैग किया, जिसके बाद उन्हें कहा गया कि आप उनकी डिटेल्स भेजें और वो उसके मैसेज आप पढ़ सकते हैं कि उसकी फी का मसला हल हो गया। दिस इज द पावर ऑफ वन टैग, वन मेंशन, रेजिंग द वॉइस टू द राइट पीपल। ये मैंने 2019 में एक बच्चे की फीस थी जब आसिफ कफूर साहब DGIH का होते थे, उनको मैंने नीचे जाके टैग किया, उन्होंने अगले दिन उस बंदे की फीस जमा करा दी। पता नहीं कितनी थी, 30,000 थी। फिर उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैंने उसकी फीस जमा करा दी। ये एक नवंबर में एक वायलेंट थे नहीं जो एक दूसरे शहर से उन्होंने माइग्रेट किया और उनके पास जॉब नहीं थी। मैंने ट्वीट की 9:03 पर मैंने ट्वीट की और अगले दिन 9:00 पर इंटरव्यू था। Somebody volunteered कि मैं इनको अपने पास रख लेता हूँ। फिर आमिर लियाकत साहब ने एक बच्ची थी पाकिस्तानी जो इंडिया में स्टक थी, उसका वहाँ पे इलाज चल रहा था और उसके माँ बाप के पास पैसे खत्म होने थे। वो एक केस आमिर लियाकत साहब के पास आया क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो गवर्नमेंट के लोगों को जानते थे। उन्होंने विद इन 1 week उस बच्ची को वहाँ पर पैसे भिजवाए, क्योंकि इंडिया वाले उसको वापस आने नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके पेमेंट्स फंसे रहे। सो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको वापस करा लिया। बताने का मकसद ये है कि आप नो मैटर इफ यू हैव अ वॉइस बिग और स्मॉल, आपके पास भी वही फीचर है। आप एक ट्वीट देखते हैं कि यार XYZ बंदे को ब्लड चाहिए, आप उसके नीचे जाकर अपने 4 दोस्तों को टैग कर सकते हैं। इट्स ऑलवेज अबाउट द टैग। आपको लगता है कि एक बंदे ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं और आपको लगता है कि आपके 4 दोस्त हैं जो उसको फंड कर सकते हैं, आपको जाकर टैग कर। और ये बताए ये द गुड यू गिव आउट दैट विल इवेंचुअली रीच यू। चाहे आप अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, लेकिन जो तैनात की एनर्जीज है ना, जो यूनिवर्सिटी के बैठ गई। अगर मेरी टीम में 10 लोग काम करते हैं और उनमें से एक बंदा अगर एक गलती कर देता है और मैं उसको उस गलती पे बहुत गुस्से से पकड़ता हूँ, मैं उसको डांटता हूँ, मैं उसको 10-15 में विजिट करता हूँ, तो ये क्यों किया, तो कल को जब मेरे से गलती होगी तो माय बॉस विल डू द सेम। और ये वो नहीं कि मेरे बॉस को पता है कि उसने क्या करना है। ये इंग्लिश कायनात का मकफात में नॉट द राइट वर्ड, लेकिन ये खुदा ने निज़ाम बनाया। कार्मा विल इवेंचुअली गेट बैक टू यू व्हेदर इट्स गुड और बैड कार्मा। जितनी देर के बाद वो आएगा उसका सूद इतना ज़्यादा होगा। सो आप अगर किसी को अपने ट्विटर अकाउंट से अगर आप किसी का कोई भला कर रहे हैं ना, चाहे वो एक ट्वीट है और उस ट्वीट को कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक ज़ात है जो देख रही है, और जब कल आपको जरूरत पड़ेगी तो समबडी XYZ जिसका आपको पता भी नहीं होगा वो आपके लिए ट्वीट करता हूँ। सो जो आप बाहर भेज रहे हैं जो एनर्जी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो एनर्जी आप तक आएंगे। सो ट्राई टू मेक बेस्ट ऑफ योर एनर्जी, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, इस स्पेस को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें। और अगर किसी को सवाल है अगर आपका सवाल ये है कि आपने करना क्या है, तो वो मतलब it's my 6th year of professionalism and I'm still not sure what makes me happy. वो आप चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार मैं मतलब मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, मुझे म्यूजिक बनाना अच्छा लगता है, मुझे क्या अपील करता है। वो by your 40s ना you will experiment so many things and you get to know के what makes you happy. अब जो आपका सवाल है दूसरा, उसका जो हिस्सा है कि करना कैसे है। अगर आपके पास स्किल नहीं है,
जिन प्लेटफॉर्म से मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप उस पर जाके स्किल सेल कर सकते हैं, आप वहीं पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना स्किल लर्न भी कर सकते हैं फ्री कोर्सेज के। सो आप पहले आप ये डिसाइड करें कि मतलब मैं कौन सा काम आसानी से कर सकता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट आसानी से कर सकता हूँ, मैं ऐप्स बना सकता हूँ, पहले आप सीखें। उसके बाद इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मनी वो तीन प्लेटफॉर्म मैंने आपको बता दी, फाइवर अपर और फ्रीलांसर फाइवर अपर और फेसबुक के ग्रुप्स। अच्छा, फेसबुक के भी ग्रुप्स में ना कभी भी आप लोगों ने गलती ये नहीं करनी कि आप लोगों को बना भी कहते मेरे ये काम करने पैसे मैं इसके अभी भेज रहा हूँ। ऑलवेज गेट दी अपफ्रंट मनी, मतलब बुआ की कोई लाल शहबाज कलंदर होगा तो आपको पैसे बाद में भेज देगा, अदरवाइज पीपल वुड नॉट पे यू। आप FIE वेबसाइट खोल के स्टैक्स देखिए ना, पिछले एक साल में कोई लाख से ऊपर स्कैम है कि ऑनलाइन काम कराया तो पैसे नहीं दिए। ऑलवेज गेट द अपफ्रंट मनी। फिर अगर आप ये तो मैंने आपको पैसों का बता दिया, फिर अगर आप मतलब ब्रांड बनना चाहते हैं, आप एज अ इन्फ्लुएंसर अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, तो आई थिंक माय रिकमेंडेशन वुड बी स्टार्ट विद ट्विटर। ट्विटर गिव्स यू अ लॉट स्पेस टू ग्रो। उसके अलावा किसी का सवाल? स्किल्स जो है वो पेंटिंग स्केचिंग या जो वो भी सेल्स होती है। हर दुनिया का कोई स्किल ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू ना हो या जिसको खरीदा ना जा सके। फाइवर पे भी आप पेंटिंग स्केचिंग कर सकते हैं, फिर पेंटिंग और स्केचिंग की अलग से वेबसाइट्स जिन पर आप इस सर्विस ऑफर कर सकते हैं। आप म्यूजिक सिखा सकते हैं, ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ।